सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। क्योंकि बोर्ड जो लेटर होता है, ये प्रार्थना पत्र होता है, इसके लिखने की एक कला होती है, उस कला को आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से सेवा में लिखना है, उसके बाद कामा लगा देना, ठीक है। और ये सेवा में जहाँ से खत्म होता है उसी के जस्ट नीचे जिसको आपको लिखना है, ठीक है, मुझे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, कहाँ के अधिकारी को लिखना है वो गांव यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक है। अगर आप वाराणसी के लिए, लखनऊ के लिए, कहीं के लिए लिख रहे हो तो उस जिले का नाम लिखने के बाद उस प्रदेश का नाम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप जिला के किसी गांव के लिए लिखना चाहते हो तो उस गाँव का नाम लिखने के बाद उस ज़िले का नाम लिख देना है, ठीक है। ये लिखने के बाद सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो ये होती है विषय, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपको विषय लिख देना है यहाँ पर, और विषय लिखने के बाद ये ब्लैक पेन से रहेगा, क्योंकि जो जिसे आप प्रार्थना पत्र देते हो ना वो विषय जरूर देखता है। इससे वो चीज़ों को पता कर लेता है कि ये जो मुझे एप्लीकेशन मिला है, प्रार्थना पत्र मिला है, ये किस संदर्भ में है। तो मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में, अब देखो आपको करना क्या, एक कला यहाँ पे और लगा देना है सेवा में के जस्ट नीचे, ठीक है, सेवा में के जस्ट नीचे। तो यहाँ से आपको इस तरह से लिखना है, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने गांव की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। गांव में रहने वाले का जीवन दुश्वार हो गया है। सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के कारण मक्खियों व मच्छरों का रात दिन तांडव नृत्य से हज़ारों बीमारियां फैल रही हैं। ये चीज़ें आपने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद फिर अतः आपको लिखना है, अतः मैंने इसकी जो आपने ये लिखा है ना ऊपर, इसके जस्ट नीचे आपको अतः लिखना है, इसके जस्ट नीचे। यहाँ पर हमने अतः लिखा, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले का शीघ्रता से साफ सफाई करवाएं, ठीक है। इसके बाद सहृदय धन्यवाद आपको लिखने के बाद यहाँ पे जिस डेट को आप देना चाहते हो वो डेट आपको लिखना है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी डेट को देना चाहते हो, जैसे हो गया आप फरवरी में किसी को देना चाहते हो या मार्च में देना चाहते हो, तो आपको लिख देना 10 मार्च 2022, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, मार्च लिखना है, मतलब कि ये नहीं कि मार्च जो चौथा या पाँचवा महीना है या तीसरा महीना, तो उसको इस तरह से लिख दें। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगेगा, और जो देखेगा वो भी खुश हो जाएगा कि नहीं, इन्होंने इस कला का पालन किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।